मैनपुरी चेयरमैन प्रत्याशी रेखा पांडे पत्नी आनंद पांडे जो कि मैनपुरी सदर के चेयरमैन की प्रत्याशी है, ये बहुजन समाज पार्टी बसपा की उम्मीदवार है। इनका कार्यालय का उद्घाटन आज भव्यता पूर्वक किया गया, जहां लोगों ने प्रत्याशी रेखा पांडे को बधाइयां देते हुए फूलमाला के कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान प्रत्याशी रेखा पांडे प्रतिनिधि आनंद पांडे ने चुनाव की प्राथमिकताओं को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जनता का पूरा सहयोग करेंगे। मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इसका मतलब चुनाव में खड़ा किया, और आप सभी लोगों के सहयोग से हम खड़े हुए हैं, और आप सभी लोग हमारे साथ मिल जाइए और मिलके हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे, सभी समाज से जुड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। आपने पार्टी ने टिकट दिया है, भरोसा जताया है, क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके देखते हैं मैनपुरी जनता चुनाव में, क्या कुछ नया करेंगे आप? मैनपुरी की जनता की सेवा हम कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, और अगर आम जनता के सहयोग से हमारी पत्नी को जो बीएसपी ने टिकट दिया है, अगर जनता इनको जिताती है तो पूरे तन मन धन से पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे। शहर में जो भी व्यवस्थाएं साफ सफाई की और उनको सबको दुरुस्त कराएंगे पूरी अच्छी तरह। सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं आम जनता की आखिरी पायदान तक के व्यक्ति तक जो पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाती हैं, तो उनको जो है पूरे मनोयोग से पूरी मेहनत करके आम जनता के जो आखिरी पायदान व्यक्ति खड़ा है वहां तक उसको पहुंचाएंगे, पूरा लाभ दिलवाएंगे।